दोस्तों ये है स्कारिंग एलोपेशिया। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे पैच बने हुए हैं और ये स्कारिंग वाले पैच हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बालों की जो जड़ें होती हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। एलोपेशिया रियाटा दो किस्म का होता है, एक में जड़ें बची होती हैं और एक में जड़ें ख़त्म हो जाती हैं, यानी नॉन स्कारिंग और स्कारिंग। स्कारिंग के अंदर जड़ें ख़त्म हो जाती हैं। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्किन प्लेन हो गई इनकी और जड़ें यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लाइचन प्लानस हो सकता है, फोलिकुलाइटिस हो सकती है, ऑटोम्यून डिसऑर्डर की वजह से शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं जो जड़ को पूरी तरह से उड़ा देते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये होता है कि आगे ये बाल जो हैं वो झड़ना रुकें, पैच बनना रुकें, ताकि बाद में जो पैच बने उनके ऊपर ट्रांसप्लांट किया जा सके।